हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझसे ना कई लोग पूछते रहते हैं कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखना है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है या स्वेट बहुत ज़्यादा आता है फेस पर, तो कुछ घंटों के बाद ना मेकअप स्मज हो जाता है, फेस केक ही लगने लगता है। तो उसके लिए एक अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे होना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं कुछ साल से एक काफ़ी अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, स्मज नहीं होगा मेकअप आपका और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो मैं बात कर रही हूँ ये NYX का मैट फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो मेरी स्किन ऑयली है और मुझे मैट लुक काफी ज्यादा पसंद है, तो इस स्प्रे को मैं कुछ सालों से यूज कर रही हूँ। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, यहाँ पर ये मेरी पुरानी बॉटल है जो खत्म हो गई है, तो इसलिए मेरे पास अब ये नई बॉटल है। और इनका ना ये ड्यूई फिनिश में भी आता है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है या अगर आपको ड्यूई लुक ज्यादा पसंद है तो आप ये वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे भी ट्राई कर सकते हैं। तो NYX मैट फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे से आपका ऑयल और शाइन कंट्रोल में रहेगा, और स्वेट की वजह से जैसे आपका मेकअप मेल्ट होने लगता है और फेस पर आपके लाइंस दिखने लगती है, फेस केक ही लगने लगता है, तो वो भी कंट्रोल में रहेगा क्योंकि इतना ऑयल नहीं आएगा और इतना शाइन भी फेस पर नहीं लगेगा, फेस आपका मैट रहेगा और आपको इतने टचअप्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो NYX के बारे में तो सभी मेकअप लवर्स को पता ही होगा कि ये एक प्रोफेशनल मेकअप ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, प्राइस भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है और आपको क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है। ये वीगन है, ये क्रुएल्टी फ्री है और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी इस ब्रांड को प्रेफर करते हैं, और आपने इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा होगा कि NYX के उनके पास प्रोडक्ट्स इतने सारे होते हैं। मेरे पास खुद NYX के हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है, तो NYX एक ऐसा ब्रांड है जिसको आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। मेकअप सेटिंग स्प्रे की जब बात आती है ना, तो मैंने इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी का मैंने अभी तक किसी और ब्रांड में इतना अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं देखा है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ साल ये प्रोडक्ट खुद यूज़ करा है, रिजल्ट्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मुझे टचअप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जब किसी फंक्शन में जाती हूँ या वेडिंग में जाती हूँ तो मैं हमेशा मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ ये वाला, और मेरा मेकअप मैट रहता है, कोई मेरे फेस पर स्वेट की वजह से मेकअप मेरा मेल्ट नहीं होता, फेस केक ही नहीं लगता और वो शाइन भी नहीं आती क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। इस वजह से मैं ये मैट फिनिश वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको ड्यूई लुक चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि आप ये ड्यूई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद है, आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आप इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को जरूर ट्राई करना एक बार। तो NYX मैट फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे के कुछ क्लेम्स है वो मैं आपको बता दूं। तो इस पे लिखा है दिस इज लाइट वेट एंड कंफर्टेबल। तो हाँ, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और कंफर्टेबल है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। फिर इस पे लिखा है दिस इज मैट फिनिश एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो हाँ, आपका मेकअप मैट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपको टचअप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर लिखा है दिस इज शाइन फ्री। तो मुझे पता है मेरी ऑयली स्किन है, कितना ज्यादा शाइन आ जाता है कुछ घंटों के बाद, पर जब मैं ये सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ तो मेरे फेस पर कोई शाइन नहीं आती है। मैं ना अभी आपको कुछ स्वॉचेस दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेकअप सेटिंग स्प्रे से आपका मेकअप सही में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लिपस्टिक है, तो सबसे पहले मैं ये लिप क्रीम यहां पर लगा रही हूं, तो यहां लगा लेते हैं। तो यहां पर ये मैंने मैट लिप क्रीम लगाई है, NYX की बुदापेस्ट शेड है। फिर यहां पर एक और मैं ये स्वॉच कर रही हूं, ये NYX की ही लिपस्टिक है जो मैंने अभी लगा रखी है, NYX लॉन्जरे लिपस्टिक। इनकी जो आती है ना NYX लॉन्जरे पुशअप, ये न्यू लॉन्च है मेरे ख्याल से। सो द शेड इज सिडक्शन, तो शेड बहुत ही अच्छा है, मैंने अभी लगा भी रखा है, तो ये यहाँ पे मैंने लगा लिया। और कुछ आई शेडो के भी स्वॉचेस मैं कर रही हूँ, तो यहाँ मैं ये रेड वाला ट्राई करती हूँ, इसका एक स्वॉच, फिर एक पिंक है इसमें, पिंक का स्वॉच कर लेती हूँ, और फिर ऑरेंज का, ऑरेंज आज मैंने अपने आई शेडो के लिए भी लगा रखा है, तो यहाँ पे ये ऑरेंज और येलो मस्टर्ड ये शेड्स मैंने यूज़ करे हैं। तो ये कुछ स्वॉचेस मैंने कर लिए हैं और ये सेम स्वॉचेस मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो एक पर मैं ये मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी और एक पर हम सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करेंगे, और देखते हैं कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग। तो लेफ्ट हैंड पर मैं ये NYX का मैट फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, तो इसको स्प्रे कर लेते हैं। तो और तीन स्प्रे मैंने करे हैं और इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए।
तो लेफ्ट साइड पर मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करा था और यहाँ पर यूज़ नहीं करा है, तो देखते हैं ये स्मज होता है कि नहीं। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये आई शेडो देखो, इसका बहुत रहता है कि स्मज हो सकता है, पर बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्रेशर के साथ कर रही हूँ तब भी नहीं हो रहा है स्मज। और इस साइड देखते हैं, स्मज हो रहा है। देखो पूरा आई शेडो स्मज हो गया है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे से आपके मेकअप पर। तो मेकअप मैंने ऑलरेडी अपना कर रखा है और मैंने आपको बताया ही कि मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं ये निक्स का मैट फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं ये यूज़ करने वाली हूँ और जब भी आप इसको यूज़ करें अपने फेस से आपको 6 इंचेस इसको दूर रखना है। ये बिल्कुल हैसल फ्री है और कम्फर्टेबल रहता है आपके स्किन पर, तो थोड़ा आप दूर रखिए इसे। और इसके कुछ स्प्रेस, 3 से 4 स्प्रेस आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो मैंने ये सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया है और कुछ सेकंड्स के लिए ना मैं इसको ड्राई होने दूंगी ऐसे ही। तो सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और अभी टाइम हो रहा है 3:50। तो मैं 2-3 घंटे के बाद आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेस कैसा लग रहा है बिना किसी टचअप के। आई ऑल्सो यूज दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे टू सेट माई फेस। मेरा बेस बहुत अच्छे से इससे सेट हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो थोड़ा सा ना ये स्प्रे मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे भी यूज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा ब्रश पे भी यूज़ कर लेती हूँ अपने आई शेडो को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। तो आप अपने मेकअप ब्रशेस पे और ब्यूटी ब्लेंडर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने हाइलाइटर के लिए भी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करा है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो अभी अराउंड 3 घंटे हो चुके हैं, 7 बज रहे हैं, टाइम देख सकते हो, और मेरा मेकअप बिल्कुल सेम लग रहा है। कोई भी टचअप्स नहीं करे हैं मैंने, कॉम्पैक्ट अप्लाई नहीं करा है और मेरा आई शेडो भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, लिपस्टिक भी ऐसे ही है, ब्लश भी दिख ही रहा है, हाइलाइटर भी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है 3 घंटे के बाद भी मेरा मेकअप। तो अभी 7-8 घंटे हो चुके हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं, टाइम आप देख सकते हो 11:38, और मैंने कोई भी टचअप्स नहीं करे हैं। आप मेरा बेस देखो, अभी भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मैट है, कहीं पर भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि लाइंस आ गए हैं, केकी नहीं लग रहा है फेस, बिल्कुल मैट फिनिश है और फेस ऐसा लग रहा है कि फ्रेश है मेकअप अभी भी। आप मेरा फाउंडेशन देखो, ब्लश देखो, यहाँ पे हाइलाइटर भी है, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी लगा रखा है, और आई शेडो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी कुछ भी स्मच नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरी लिपस्टिक भी बिल्कुल भी स्मच नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर भी स्प्रे यूज़ करा था और मैं 3 बार खाना खा चुकी हूँ अभी, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो जो इसके क्लेम्स है ना कि मैट फिनिश रहेगा, फ्रेश रहेगा आपका मेकअप इतनी देर के बाद भी, तो हाँ ये सही में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लिपस्टिक पे भी यूज़ कर सकते हो, मैंने कभी लिपस्टिक पर इतना ध्यान नहीं दिया था, तो ये भी बिल्कुल भी स्मच नहीं हुई है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड इवन आफ्टर सो मेनी आवर्स मेरी स्किन इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। और जो इस प्रोडक्ट की क्लेम्स है कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मैट फिनिश रहेगा, तो आप देख ही सकते हो कि मेरा मेकअप अभी भी फ्रेश लग रहा है, लॉन्ग लास्टिंग रहा है कि 7-8 घंटे के बाद भी इतना अच्छा लग रहा है। तो जो भी इसके क्लेम्स है तो वो हाँ सही में सच है। तो अगर आपको भी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए बिना किसी टचअप्स के, तो आप ये NYX का मैट फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए तो आप ये वाला वेरिएंट भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। प्राइस भी इसका काफ़ी अफोर्डेबल है, सिर्फ 875 रुपीज़, और ये आपको मिल जाएगा nykaa.com से। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई हैक्स पता होंगे ना मेकअप सेटिंग स्प्रे के, तो वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।